अरे हम तो दावे से कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ना जरूर कुछ लड़ाई हुई है, वरना किसी की लुगाई अपने पुराने पति के पास चली आए, अरे कौन सा मर्द खुश होगा। अरे हमें क्या लगता है कि ये आदमी तो गौरी से परेशान है, अरे शकल से ही प्रताड़ित लगता है, देखना। गौरी से लड़ाई हुई है? ओ, फिर तो इनकी लड़ाई हमारे लिए एक मौका है। अब देखो किस तरह तिराज जी के दिल में अपने लिए प्यार का बाजा बजाते हैं। पू 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 पू। दोस्त कहाँ हो तुम? गर्वारा चल चल। कि गर्व जी बाहर आकर क्यों चिल्ला रहे? दोस्त जल्दी आओ ना। गर्व क्या हुआ? मुझे अपनी दोस्त से बात करनी। दोस्त क्या हो गया गर्व जी? दोस्त कहाँ थी? मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? पता है ना मेरे सोने का वक्त हो गया, चलो मेरे साथ सोने चलो। क्या क्या हो गया? इतना सोच क्यों रही हो? चलो ना गर्व जी, हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते? नहीं, हम गर्व और गौरी को करीब नहीं आने दे सकते। गर्व बेटा, इस तरह जिद नहीं करते। मैं आपका बेटा होता नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी दोस्त का दोस्त हूं, आप चुप रहिए। अरे गर्व बचवा, तुम ना इनके साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये किसी की बच्चों। पतझड़ और का, अरे आंधी तूफान भी आ सकता है ना। देखिए मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी दोस्त के साथ ही सोना है। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी मैं चिल्लाऊंगा और मार डालूंगा सबको। नहीं, मेरी मामा सिर्फ मेरे साथ सोएगी। ये लड़की कौन है? तुम इसकी मम्मा हो? हाँ, ये इसकी मम्मा है और अधिराज जी इसके पति। और पत्नी तो हमेशा पति के साथ होती है। देखो तुम इसके साथ नहीं सो सकते क्योंकि तुम इसके पति नहीं हो, समझे? तुम सो अकेले। तुम्हारी दोस्त तो अपने पति के साथ सोएगी। चुप मेरे सुखी का। ठीक है चलो। कहाँ ले जा रहे हैं हमें? शादी करने। से नहीं होता है। होता है। पति पत्नी अगर साथ सो सकते हैं तो चलो मुझसे शादी करो और मेरी पत्नी बन जाओ। नहीं गर्व जी, ऐसा नहीं होता है, आप हमारी बात समझिए। सब होता है, सब होता है, चलो गर्व जी। ऐसा नहीं होता, प्यार से नहीं। नमस्ते।
हमारे अच्छे दोस्त हैं ना, हमारी सारी बातें मानते हैं। माही अभी बहुत छोटी है, उसे हमारी ज्यादा जरूरत है। आप ऐसा करिए, आप अपने कमरे में जाइए, ठीक है? हम माही को सुलाकर फिर आते हैं। पक्का? पक्का होगी ना? जब तक नहीं आओगी मैं सोऊंगा नहीं। मैं वेट करूंगा तुम्हारा, पक्का आना। मैं नहीं सोऊंगा। थोड़ा जिद्दी है। हमें किसी भी हाल में गौरी और अधराज को करीब लाना ही होगा, ताकि जब गर्भ ठीक हो हम उसे बोल सके कि गौरी ने अधिराज के साथ जिंदगी बसा ली है। हम एक बार फिर इस बुनकर को अपनी बहू का दर्जा नहीं दे सकते। माही के लिए गर्म पानी। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ सोफे पर सोने। हम सोफे पर सो जाएंगे, आप यहाँ बेड पर आ जाइए ना। नहीं नहीं नहीं, आप सोइए बेड पे। माही को इस वक्त आपकी ज्यादा जरूरत है। मैं सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। गौरी, थैंक यू। क्यों? माँ ना होते हुए भी माही के साथ ममता निभा रही हो, और वहां तुम्हारे, क्या नाम है तुम्हारे पति का? गर्व। गर्व के साथ अपना पत्नी धर्म भी निभा रही हो। मुझे लगता है कि भगवान ने ना तुम्हारे जैसी लड़कियां बनाना बंद कर दिया। नहीं नहीं, भगवान हमारी जैसी लड़कियां तो बनाते हैं, लेकिन वो लोग बनाना भूल गए जो हमारी सराहना करें। लेकिन हम भाग्यशाली हैं जो हमें आप मिले। आपने बुरे वक्त में अपनी अच्छाई से हमारा साथ दिया, अपने घर में हमें काम दिया। वरना मालकिन ने हमें जब अपने घर से निकाला था, हमें लगा था जैसे हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब जब हम माही को देखते हैं तो उसमें जिंदगी जीने की एक नई उमंग नजर आती है। और एक बात पूछूं? हम मान लो कल अगर तुम्हारा पति तुम्हारे पास वापस आ जाए या आना चाहे, तो तुम क्या करोगे? राज जी, जो चीज नामुमकिन है उसके सपने देखने से क्या फायदा? जो होना ही नहीं है वो सोचना क्यों है? आप सो जाइए ना, काफी रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या, ये दोनों तो साथ सोते तक नहीं। इसका मतलब जरूर इन दोनों के बीच में दूरियां हैं।
देखना कैसे इन दोनों की दूरियों का इस्तेमाल करके हम अधिराज के करीब जाते हैं। वैसे दादी गौरी के भी अलग ही जलवे हैं, एक साथ दो दो लड़के पटाए और वो भी दोनों कुबेर की खजान, मतलब दोनों अमीरजादे। अधिराज, हम क्या सोच रहे हैं कि हम भी गौरी से थोड़ी बहुत अदाएं सीख ही लें ताकि हमें भी एक करोड़ पति पति मिले। ये आप क्या कर रही हैं? अरे कछु नहीं, दवाई बदल रहे थे हम। बिना मतलब के इतनी मेहनत कर रही हैं आप? आपको पता है ना दवाई की सारी जिम्मेदारी गौरी को मिली है। अरे भली दवाई की जिम्मेदारी गौरी बहुरिया को मिली है तो क्या हुआ? अरे दवाइयां तो बदल सकते हैं हम ना। अरे बेल बुद्धि, अरे कब समझेगी? देख सीसी तो वही है पर अंदर जो दवाई है ना वो हमने बदल दी है। का चल रहा है यहाँ पर? ये तो घर की दवाइयां है ना, कहाँ मिला रही थी इसमें आप? छोटी माई हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन दवाइयों में आपने कहाँ मिलाया है? अरे छोटी माई हम इस सीसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, कहाँ मिला रही थी आप इसमें? हम ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी रात हो गई आप लोग सोई नहीं? दीदी छोटी माई ने गर्भ की दवाई में कुछ मिलाया है, हमने अपनी आंखों से देखा है। बिंदा बोलने से पहले सोचती नहीं हो? ये तो देखो किस पर इल्जाम लगा रही हो। सात साल बिना थके हमारे गर्भ की सेवा की है, खुद से ज्यादा इन पर भरोसा है हमें। दी बस दीजिए, आज गर्भ को हम दवाई दे देते। वाह का नजारा है, एक माँ अपने बेटे को खुद दवाई के रूप में जहर दे रही है। कर दवाई का टाइम हो गया है। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जाओ यहां से। माँ है तुम्हारी, दवाई खा लो ना। झूठी, मेरी मां नहीं है तुम। दोस्त कहाँ है मेरी? मेरे दोस्त कहाँ है? मेरे दोस्त को बुलाओ, मैं अपने दोस्त के हाथों से ही दवाई खाऊंगा। खा लो ना दवाई। कर मैंने बोला ना, मेरी दोस्त को बुलाओ नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। नहीं नहीं चिल्लाओ मत, हम भेजते हैं उसे। हाँ बुलाओ। गौरी को भगवान मान के बैठे हो ना तुम गर्व, तो बस एक बार ठीक तो पूछा। तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी दुनिया से हम गौरी का नामो निशान मिटा देंगे, ये हमारा वादा है। चोर नहीं है।
अपनी आंखों में ना नीम का तेल डाल लो। हम हैं बिंदा। अरे बिंदा, अरे हम अपनी आंखों में नीम के तेल की पूरी सीसी भी डाल ले तो तुमको पहचान नहीं पाएंगे। ये क्या भेस बना लिया है तुमने भाई, है? एकदम जासूस लग रही हो। मुबारक हो, आपका जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि हम हैं आज जासूस। हमको एक बात बताइए, आप जासूस बने क्यों? मुझे छोटी माई है ना, हाँ। वो छोटी माई, हाँ। और उसकी पोती, हाँ। दोनों मिलके, हाँ। खिचड़ी पका रहे, हाँ। और हम, हाँ। उनको खिचड़ी पकाने से रोकना चाहते हैं, इसीलिए हम जासूस बन के पता लगाएंगे। अरे दीदी घबराइए मत, हाँ मैं बिंदा आपकी भाभी। ये क्या हुलिया बना कर रखा है? अरे हुलिया हम नहीं बना कर रखे हैं, हम भी ना आपके तरह एकदम तेज तरार दिमाग वाले बनना चाहते हैं, एकदम स्मार्ट। अरे गौरी को इस घर में लाके आपने कच्चा चला है, वाह वाह वाह। अरे हमरा बस चले ना तो हम आपका चरण धो के ना पी जाए। पी जाओ। मतलब कहाँ बैठे, कहाँ पैर धोगी? का कह रहे, बुला रहे का? अनिका के पापा हमको बुला रहे, हम आते हैं दीदी। हाँ दोस्त, दोस्त कहाँ हो? दोस्त गर्जी, दोस्त गर्जी, ये कैसे हुआ? दोस्त देखो ना मेरे हाथ को, क्या कितना खून बह रहा है। ये कैसे हुआ? सच बताइए, आपने जानकर किया ना ये सब? आपने जानकर खुद को जख्म दिया? तुम सच कह रही हो, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया था कि मैं चाहता था तुम मेरी मरहम पट्टी करो और उसके बाद मेरे साथ ही रुक जाओ। आपके साथ रुक जाए सिर्फ इसलिए आपने खुद को जख्म दिया? ऐसा कौन करता है गर्वजी? आप तुम्हें बताया, जब तुम जब मेरे साथ होती हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है मुझे, और जिस पल तुम दूर जाती हो ना सब कुछ बुरा लगने लग जाता है। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ रुक जाओ ना प्लीज। अरे तो रुक जाओ ना, गर्व भैया इतनी जिद कर रहे हैं तो आज आप अधिराज जी के पास ना रुक कर गर भैया के पास रुक जाओ। चुप ना रह सकती। दीदी हमको तो लगता है आपने गौरी को यहाँ बुलाकर अपनी आफत को बुलावा दे दिया है। बोलो ना, रुकोगी मेरे साथ? अब बैठिए, हम दवाई लेकर आते हैं। प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अगर तुम गई ना तो मैं दवाई खाना बंद कर दूंगा। नहीं, नहीं जाएगा। अधिराज जी, ये गौरी का इस तरह गर्व के साथ कमरे में रहना हमें ठीक नहीं लगता।
आप उसे समझाइए। समझाने की क्या जरूरत है, गर्व और गौरी पति पत्नी है। थे, पति पत्नी थे, उनका रिश्ता अब जिंदा नहीं है। आप दोनों इस घर में पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। कैसा लगेगा, जैसे ही गर्व ठीक होगा वैसे भी गौरी को तो जाना ही, तो फिर ये सब क्यों? जाना ही, गर्व और गौरी साथ में रहकर भी तो अपनी दुनिया बसा सकते हैं ना। गर्व और गौरी का रिश्ता उसमें दुख और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं था। गर्व गौरी को धोखेबाज समझता है, पर सच्चाई तो यह है कि गर्व ने धोखा दिया था गौरी को। इस रिश्ते में गौरी सिर्फ दुखी थी और हम नहीं चाहते कि वो लड़की को और दुख मिले। गौरी ने आपको और आपकी बेटी को 7 साल संभाला है, उसे इस तरह बीच बाजार में मत छूने। आपको आपके और गौरी के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, ये हमारा मानना है, बाकी आप समझदार हैं। चाहे कुछ हो जाए अधिराज, हम गौरी को तुम्हारे दिल में जगह दिला कर रहेंगे, ताकि हम उस गौरी को अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल पाए। क्योंकि शकुंतला देवी के होते हुए गौरी और गर्व कभी एक नहीं हो सकते। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.